सड़कों पर जुलूस निकाला जा रहा है। धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। केरल के चिराली से जो वीडियो सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस वीडियो ने पीएफआई के जिहादी एजेंडे को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। बाईस सेकंड के इस वीडियो में जो कुछ दिखाने की कोशिश की गई है उसे बिल्कुल भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। यहाँ सबसे आगे दो शख्स चल रहे हैं जिनकी वेशभूषा हुबहू संघ कार्यकर्ताओं जैसी है। मतलब साफ है, इन दो लोगों को हिंदुओं का प्रतीक बताने की कोशिश की गई है। इनको बेड़ियों से बांधा गया है और पीछे जल्लाद की तरह कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर चल रहे हैं। ये वीडियो 17 फरवरी का है और उस दिन पॉपुलर फ्रंट डे के तौर पर मनाया गया। इस वीडियो के जरिए हिंदुओं को खुलेआम धमकी देने की हिमाकत की गई। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि केरला का पीएफआई उस खौफनाक विद्रोह को याद दिलाना चाहता है जो लोग मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1921 में जिस तरह मालाबार मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। अब उस नरसंहार के 100 साल बाद इस वीडियो में इसी तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है। सवाल यही है कि क्या केरल में हिंदुओं के नरसंहार पर जश्न मना रहा है पीएफआई? क्या 25,000 हिंदू महिलाओं के बलात्कार का डर दिखा रहा है पीएफआई? क्या 50,000 से ज्यादा धर्मांतरण का जश्न मनाकर डराने की कोशिश हो रही है? क्या पीएफआई मोपला विद्रोह की याद दिलाकर उसी तरह के नरसंहार की धमकी दे रहा है? क्या लाखों हिंदुओं के उजड़ने की उस कहानी का खौफ एक बार फिर दिखाया जा रहा है? क्योंकि इस वीडियो से तो संदेश यही है कि अगर आरएसएस के नेतृत्व में हिंदू एकजुट होता है तो उनका अंजाम उसी तरह हो सकता है। सवाल ये भी है कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ और 1925 में आरएसएस बना। मोपला की बरसी पर आरएसएस का सिंबॉलिक इस्तेमाल क्यों किया गया? आरएसएस के लोगों को इस तरह सिंबॉलिक बनाने के पीछे की मंशा क्या है? इस तरह सिंबल के जरिए धमकी देने वाले ये लोग कौन होते हैं? जुलूस में संघ वेशभूषा का ही इस्तेमाल क्यों? क्या आरएसएस केरल में बैन है? सवाल केरल पुलिस पर भी है। आखिर मोपला सेलिब्रेशन में ऐसे प्रतीक पर पुलिस चुप क्यों रही? कैसे इस जुलूस को निकालने की इजाजत दी गई? क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कल इस्लामिक कट्टरता के नाम पर मुस्लिम सिंबॉलिक को ऐसे तमाशा बनाया जाएगा तो केरल सरकार उसकी परमिशन देगी? क्योंकि केरल में इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। बजरंग दल का एक शिविर था, उस शिविर में हमने जिहादी आतंकवाद को दिखाया था और उसमें किसी तरह से एक बंदे के सिर पर टोपी थी और जबकि सामान्य तौर पर जो आतंकवादी हैं उनके सबके जो वो गोल टोपी लगाए होते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप देखिए कि उस पर तो बवेला मचा दिया इन्होंने। और ये इस तरह से जो जो जिस संघ का जन्म नहीं हुआ था और उससे कनेक्ट करके उस समय के आंदोलन की बात कर रहे हैं ये, और जिसको ये आंदोलन कर रहे हैं, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप जो है ना इसका ये टैगलाइन मोपला विद्रोह न कह करके इसको मोपला आतंक, मोपला जिहाद बोलिए इसको। ये वास्तव में ये हिंदुओं के खिलाफ जिहाद था, हिंदुओं के खिलाफ आतंकवाद था, हिंदुओं के विरुद्ध नरसंहार था जिसमें हजारों की संख्या में माता बहन बेटियों और बुजुर्गों की और बाकी हिंदुओं की हत्याएं हुई थी। ये मोपला जो है जिहाद जो है मोपला जिहाद की ये जो बरसी मनाने वाले लोग हैं वो उन्होंने अपनी मानसिकता की कली खोल दी है।
इस वीडियो से साफ है कि पीएफआई किस तरह केरल में नफरत का जहर घोल रही है, किस तरह हिंदुओं के नरसंहार को जायज ठहराया जा रहा है। केरल के उस काले इतिहास पर पीएफआई का ये जश्न बताने के लिए काफी है कि केरल में उसका इरादा क्या है। पीएफआई की नफरत भरे इस वीडियो के अलावा केरल में अलगाववाद की आवाज भी उठनी शुरू हो गई है। कट्टर इस्लामिक संगठन के ताल्लुक रखने वाले छात्र संगठन SKSSF यानी समस्ता केरल सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन ने केरल से अलग मालाबार स्टेट की मांग की है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को केरल से अलग करने के लिए बाकायदा तेलंगाना जैसे आंदोलन की बात कही गई है। ये SKSSF के नेता सादिक फैसी का फेसबुक पेज है, जिस पर बाकायदा नए मालाबार स्टेट की बात करते हुए कोझिकोड को राजधानी बनाने की बात कही गई है। यानी केरल में अलगाववाद को खुलेआम हवा दी जा रही है और पीएफआई जैसे संगठन भी इसमें पीछे नहीं है, जो मोपला के नाम पर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वीडियो में साफ साफ नजर भी आ रहा है। और देखिए, मोपला विद्रोह क्या था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी आड़ में पीएफआई मजहबी खेल खेल रहा है। और लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये कई सवाल खड़े करती हैं। तो ये तस्वीरें हम आगे आपको दिखाएंगे, तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जिसकी आड़ में पीएफआई मजहबी खेल खेल रहा है, और लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये सवाल खड़े करती हैं और ये यादें ताज़ा कर दी हैं। मोपला विद्रोह की कड़वी यादें जो केरल के मालाबार इलाके में हुआ था। मोपला विद्रोह जो था वो खिलाफत आंदोलन के साथ भड़का था। आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ के खलीफा को गद्दी से हटा दिया था। अंग्रेज़ों की इस कार्रवाई से दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो गए थे और फिर उसके बाद तुर्की के सुल्तान की गद्दी वापस दिलाने के लिए ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल मुस्लिम नेताओं अबुल कलाम आजाद, जफर अली खान, मोहम्मद अली जैसे जो नेता थे वो सामने आए और इस मोपला विद्रोह में जो भी हुआ उसने देश को शर्मसार करने वाला काम किया। और ये तस्वीरें जो ताज़ा सामने आई हैं ये डराने वाली हैं। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? मजहबी कट्टरपंथ से लबरेज इस वीडियो का एक एक पल आपने देखा, आपने समझा कैसे पीएफआई में परचम तले चलने वाले उन्मादी मोपला नरसंहार को बगावत की आड़ में छिपाकर मजहबी अदावत की आग को सुलगा रहे हैं। ये सब आज नहीं बल्कि सालों से हो रहा है। एक दंगा जिसमें हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया, हजारों हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया। मोपला का सच जानने के लिए कुछ सवालों के जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। आखिर क्या था ये कथित मोपला विद्रोह? क्यों हिंदुओं के नरसंहार को बगावत की शक्ल दी गई? क्या थी मोपला के गुनहगारों को हीरो दिखाने की साजिश? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। वो साल था 1921। अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए पूरा देश सुलग रहा था। महात्मा गांधी की अगुवाई में सत्याग्रह का आगाज हो चुका था। आजादी का हर मतवाला मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए बलिवेदी पर चढ़ने को तैयार था। इसी बीच एक हलचल केरल के इलाके में हो रही थी। ये इलाका था मालाबार, जहां काबिज थी मोपला किसानों या यूं कहें कि मालाबार के मुसलमानों की आबादी। अंग्रेजी हुकूमत की लगान की ऊंची दर और नजराने का हवाला देकर मालाबार के मुस्लिमों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया और आजादी की मांग उठा दी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि विद्रोह से हिंदुओं के नरसंहार में तब्दील हुए इस उन्माद को शुरू में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शौकत अली जैसे नेताओं का समर्थन मिला था।
और इसी समर्थन से मोपला के मुस्लिम बागियों के हौसले ऊंचे हो गए। मोपला किसानों ने 1921 में हथियारबंद विद्रोह का आगाज कर दिया। इस विद्रोह की कमान दी गई बरियान कुननाथ कुंजा मोहम्मद हाजी के हाथों में। विद्रोह के शुरुआती दिनों में पुलिस थानों पर हमले किए गए, सरकारी खजाने लूटे गए। ऐसा लग रहा था मानो इस बगावत का एक ही मकसद है, अंग्रेजों से आजादी। लेकिन बगावत जैसे जैसे आगे बढ़ी तो असल इरादों का खुलासा होने लगा। दरअसल तत्कालीन मालाबार में जमींदारी नबुंदरी और नायर हिंदुओं के हाथों में थी। मोपला किसान या यूं कहें कि मालाबार के मुसलमान पट्टे पर जमीन लेकर खेती किया करते थे और शायद बगावत की आड़ में यही था कुंजा मोहम्मद हाजी का इरादा, हिंदुओं के वजूद को खत्म करना। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पता चलता है कि अंग्रेजों पर छिटपुट हमलों के बाद मोपला किसानों ने अमीर हिंदू जमींदारों पर हमले करने शुरू कर दिए। कुंजा मोहम्मद हाजी के हुक्म पर हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया, उनकी लाशें कुओं में फेंक दी गई, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और हजारों हिंदुओं को जबरन मुसलमान तक बनाया गया। इस नरसंहार का जिक्र इतिहास में आज तक दबी जबान में ही किया जाता है। इसी वजह से हम आपके सामने मोपला का वो काला सच लाए हैं जिसमें हिंदुओं को मारा काटा गया और इतिहास के कथित ठेकेदारों ने इन हथियारों को शहीदों का दर्जा दे दिया। अपनी किताब द मोपला रेबेलियन 1921 में दीवान बहादुर सी गोपालन नायर लिखते हैं कि वो सिर्फ एक मतवाला पर नहीं था, वो किसानों की समस्याएं नहीं थी, वो खतरनाक इरादे थे जो मालाबार के बागियों के दिमाग में पहले से ही पनप रहे थे। इस कथित बगावत को गौर से देखने पर कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से मिले समर्थन ने ही कुंजा मोहम्मद हाजी को वो हिम्मत दी जिसके चलते उसने गुनाहे अजीम को अंजाम देने की जुर्रत की। इन लोगों का एक ही मकसद था, अंग्रेजी हुकूमत को डराया जाए, मालाबार में खिलाफत की सल्तनत कायम की जाए। इस विद्रोह के निशाने पर शुरू से ही हिंदू थे, अंग्रेजों से बगावत शायद सिर्फ बहाना था। साल 1926 में जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण का अभियान चलाया गया, धर्म परिवर्तन कर वक्त के सताए लोगों को दोबारा से हिंदू बनाया गया। लेकिन अभियान से जुड़े स्वामी श्रद्धानंद को 23 दिसंबर 1926 को गोली मार दी गई। कत्ल करने का मकसद एक ही नजर आता है, हिंदुओं की अपने धर्म में वापसी। मालाबार में कुछ तबकों को कबूल नहीं थी। अंग्रेजी फौज ने कुंजा मोहम्मद हाजी को गोली से उड़ा दिया और मुस्लिम रवायत के मुताबिक उसे दफनाया नहीं गया बल्कि हिंदुओं की तरह उसकी चिता जलाई गई। अगर मोपला विद्रोह में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो इसे बगावत और कुंजा मोहम्मद हाजी जैसे किरदारों को शहीद क्यों कहा गया? ये सवाल जब जब उठता है तो एक बड़ा वर्ग इतिहास में पेश किए गए झूठ पर सुलग उठता है। भारतीय इतिहासकारों ने शो करने की कोशिश किया कि यह एक पूंजी, यह इसका चित्र वर्गीय था, यह छोटे किसानों का जमींदारों के खिलाफ संघर्ष था। प्रश्न ये उठता है कि अगर यह एक वर्गीय चरित्र और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आंदोलन था तो इसमें मंदिर और हिंदुओं का कन्वर्जन कहां से आ गया? दूसरी बात जो इसमें स्पष्ट करने वाली है कि इसके जो लीडर थे वो सारे लीडर जमींदार थे, तो अगर ये जमींदार बनाम किसान होता तो ये नेता क्यों अपने को बचा पा रहे थे? ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ थी, इसमें किसी भी मुसलमान जमींदार की संपत्ति का क्षय क्यों नहीं किया गया? तत्कालीन समय के लोगों ने भी इसकी भर्त्सना उस स्तर पर नहीं की जिस स्तर पर किया जाना चाहिए था। और बात के इतिहासकारों ने इसको पूरा ढकने की कोशिश किया। इतिहास तथ्यों पर चलता है, किसी भावना का स्थान नहीं होता है। हमें इतिहास को वस्तुनिष्ठ पूर्वाग्रह रहित होकर के देखना पड़ेगा। बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि क्या लेफ्ट थिंकिंग इतिहासकारों ने मोपला के नरसंहार को आजादी का आंदोलन बनाकर पेश किया? क्या आजादी के बाद आई सरकारों ने समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करने के लिए हिंदुओं के कातिलों को शहीद करार दिया? क्यों आज तक मोपला विद्रोह और उसमें हिंदुओं के नरसंहार को प्रमुखता के साथ देश के सामने नहीं रखा जाता? सवालों को कुछ दावे और रिसर्च भी मजबूती देते हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च भी सिफारिश कर चुकी है कि मोपला विद्रोह में शामिल लोगों को शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाए। कुंजा मोहम्मद हाजी समेत नरसंहार में शामिल 387 लोगों के नाम शहीदों की सूची से हटाने की भी सिफारिश की गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च कोई एरी गेरी संस्था नहीं, ये शिक्षा मंत्रालय का वो विभाग है जिसकी जिम्मेदारी इतिहास के तथ्यों को सही तरीके से पेश करने की है। मोपला विद्रोह और उसमें हिंदुओं के नरसंहार को 100 साल बीत चुके हैं और इसे बदकिस्मती ही कहिए कि हिंदुओं के नरसंहार को मुल्क में आजादी के जश्न की तरह मनाया जाता है। इस जश्न की आड़ में पीएफआई जैसे सपोले नफरत का जहर उगलते हैं। ये सब होता है केरल सरकार और सिस्टम की आंखों के ठीक सामने, लेकिन हिंदुओं के साथ हुए जुल्म के दर्द पर इंसाफ का मरहम लगाने को कोई राजी नहीं। पीएफआई के सदस्य कैसे अपनी जबान से जहर उगलते हैं, उसे हैदराबाद से आए इस वीडियो में सुनिए, जिसमें पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद उग्र होकर संघ के खिलाफ जहर उगल रहा है। अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। आरएसएस इंडियन फैब्रिक को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन मुस्लिम्स को लीड लेना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी से कहता हूँ, अगर कोई सोच रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट बंद हो जाएगा, गलत फहमी है। एवरी डे हर दिन पॉपुलर फ्रंट पर एक नया इल्जाम लगाया जाएगा, पॉपुलर फ्रंट को नया टारगेट किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स से भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, रेडी हो जाओ, यूएपीए आने वाला है, ईडी केसेस आप पर पड़ने वाले हैं, एनआईए आपके पीछे आने वाला है। इस जहरीले भाषण के अगले हिस्से में अनीस को देखिए कैसे पीएफआई के गिरफ्तार किए गए काडर को हीरो बता रहा है और कानून तोड़ने वालों के इस्तकबाल का दम भर रहा है। इसी तरह एक के बाद एक लगातार इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें पीएफआई के लोग नफरत से भरी जहरीली जबान बोल रहे हैं। महाराष्ट्र और मालेगांव से आए इन वीडियोस को भी सुनिए। जुल्म सितम, नाइंसाफी और मजलूमियत की इंतहा कर, जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इसी तरीके से इस मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है और इस मुल्क की कम्युनिटीज को दिन ब दिन दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और नागवा सलूक किया जा रहा है। आज आरएसएस क्या है? आरएसएस जैसे 10 बड़ी तंजीमें भी अगर आ गई तो पॉपुलर फ्रंट अकेला मुकाबला करने के लिए काफी है। पीएफआई नेताओं की मुस्लिमों को भड़काने वाली ये भाषा बता रही है कि उनके दिल में किस कदर नफरत भरी हुई है।